Hi guys, I'm Mekki Khan and you're watching our YouTube channel Bharat English Academy. My dear students, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घरेलू सामानों के English word meanings. I mean domestic words in English. तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भारत इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा. इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहेगा. और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे. तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज टोकरी या डलिया. इसे इंग्लिश में कहा जाता है बास्केट. बास्केट इट मीन्स टोकरी. कटोरा, कटोरी या प्याला, इसकी इंग्लिश होती है बॉल. इट मीन्स कटोरा. दरी, कालीन या गलीचा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कारपेट और रग. कारपेट और रग. चटाई की इंग्लिश होती है मैट. MAT मैट इट मीन्स चटाई. टीन का डब्बा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैनिस्टर. कैनिस्टर इट मीन्स टीन का डब्बा. कड़ाही, भगोना या दोकचा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉल्ड्रॉन. कॉल्ड्रॉन इट मीन्स कड़ाही. बोरी, बोरा या थैला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सैक. इट मीन्स थैला. चलनी, छलनी या छन्नी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीव. सीव इट मीन्स चलनी. चौकी, इसकी इंग्लिश होती है बीच हेड. बीच हेड इट मीन्स चौकी. जलता हुआ कोयला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंडर. अंगारा भी इसे कहा जा सकता है. राख, भस्म, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऐश. इट मीन्स राख. रोटी पकाने का तवा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीडल. ग्रीडल इट मीन्स रोटी पकाने का तवा. बेलन, इसकी इंग्लिश होती है रोलिंग पिन और पेस्ट्री रोलर. पेस्ट्री रोलर. चकला, जिस पे रोटी बेली जाती है, इसकी इंग्लिश होती है पेस्ट्री बोर्ड. पेस्ट्री बोर्ड. चिमटा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टोंग्स और फोरसेप्स. चाकू, छुरी, इसकी इंग्लिश होती है नाइफ. इट मीन्स चाकू. छिलने वाला चाकू, जिससे हम आलू या खीरा छीलते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीलर. पीलर. मथानी या दाल घोटने वाली, दाल घोटनी, इसकी इंग्लिश होती है चर्निंग स्टिक. चर्निंग स्टिक. सब्जी काटने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा, इसकी इंग्लिश होती है चॉपिंग बोर्ड, जिस पर रख के सब्जी काटी जाती है. चॉपिंग बोर्ड. घिस कर बुरादा करने वाला यंत्र, कद्दूकस, इसकी इंग्लिश होती है ग्रेटर. ग्रेटर इट मीन्स कद्दूकस. नींबू निचोड़ने वाला यंत्र, जिससे नींबू निचोड़ा जाता है, इसकी इंग्लिश होती है लेमन स्कीजर. लेमन स्कीजर इट मीन्स नींबू निचोड़ने वाला यंत्र. बर्तन, जिसमें खाना बनाया या परोसा जाता है या गर्म रहने के लिए इसमें रखा जाता है, इसकी इंग्लिश होती है कैसरोल. कैसरोल. करछुल, चमचा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैडल. लैडल इट मीन्स करछुल या चमचा. चम्मच, इसकी इंग्लिश होती है स्पून. छोटा चम्मच, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पून. लकड़ी के चम्मच को इंग्लिश में कहा जाता है वुडन स्पून. वुडन स्पून. नेक्स्ट इज कांटा, जिससे नूडल्स चाउमीन खाया जाता है, इसकी इंग्लिश होती है फोक. फोक इट मीन्स कांटा. मटकी, मटका या फिर घड़ा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीचर. पीचर इट मीन्स घड़ा. चीनी मिट्टी के बर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉकरी.
क्रॉकरी इट मीन्स चीनी मिट्टी के बर्तन, इसमें कप्स प्लेट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थाल या तस्तरई इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रे, ट्रे इट मीन्स थाल या तस्तरई। ढक्कन इंग्लिश होती है लिड, इट मीन्स ढक्कन। भुनने की कढ़ाई जिसमें तला जाता है इसके इंग्लिश होती है फ्राइंग पेन, फ्राइंग पेन। पकाने का मुट्ठीदार बर्तन इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉस पेन, सॉस पेन। केतली आई मीन जिसमें चाय रखा जाता है गर्म रहने के लिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है केटल, केटल इट मीन्स केतली। फल सब्जी आदि का मिश्रण बनाने और काटने के लिए जो यंत्र होता है आई मीन बिजली से चलने वाला यंत्र, इलेक्ट्रिक यंत्र, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर। नेक्स्ट वन इज जिसमें पीसने के लिए इसे यूज किया जाता है इसकी इंग्लिश होती है मिक्सर ग्राइंडर या जूसर। आप इसे मिक्सर बोल सकते हैं, ग्राइंडर बोल सकते हैं या फिर जूसर भी बोल सकते हैं। बिजली से चलने वाला चूल्हा ओवन, ओवन इट मीन्स बिजली से चलने वाला चूल्हा। सूत्री या डोरी इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्वाइन और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और ट्वाइन। रस्सी या रस्सा इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोप, इट मीन्स रस्सी। शीशी फाइल इसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइल। झाड़ू इसकी इंग्लिश होती है ब्रूम, ब्रूम इट मीन्स झाड़ू। झाड़ू का डंडा इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रूम स्टिक, ब्रूम स्टिक। पोछा इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोप, मोप इट मीन्स पोछा। ठोंगा आई मीन कागज का थैला इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेपर बैग, पेपर बैग। सिलाई मशीन इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग मशीन, सेविंग मशीन। सिलाई करने वाला धागा इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीविंग थ्रेड, सीविंग थ्रेड। सिलाई करने वाली सुई इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीविंग नीडल, सीविंग नीडल। चारपाई खाट या खटिया कॉट और बंक कहा जाता है। पलंग इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेड स्टीड और बेड। फोम के गद्दे इंग्लिश में कहा जाता है फोम मैट्रेस, फोम मैट्रेस। रुई के गद्दे इंग्लिश इज कॉटन मैट्रेस, कॉटन मैट्रेस। चादर बेड शीट, बेड शीट। तकिया इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिलो, इट मीन्स तकिया। रजाई इंग्लिश होती है किल्ट, इट मीन्स रजाई। बेंच इसे इंग्लिश में बेंच कहा जाता है। दराज इसकी इंग्लिश होती है ड्रॉर, ड्रॉर इट मीन्स दराज। तिजोरी इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेफ, इट मीन्स तिजोरी। अलमारी इसकी इंग्लिश होती है अलमीरा, अलमीरा इट मीन्स अलमारी। हाथ मुंह धोने वाला पात्र जिसमें हम हाथ धोते हैं इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉश बेसिन, वॉश बेसिन। नल की इंग्लिश होती है टैप, इट मीन्स नल। बाथरूम में लगा हुआ झरना जिसे नहाने में यूज किया जाता है इसकी इंग्लिश होती है शावर, शावर इट मीन्स नहाने वाला झरना। बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहा जाता है और साबुन आई मीन नहाने वाले साबुन को सोप बोला जाता है, सोप इट मीन्स नहाने वाला साबुन। तौलिया गमछा इसे इंग्लिश में टॉवेल कहा जाता है। आईना और शीशा इसकी इंग्लिश होती है मिरर, मिरर इट मीन्स आईना। कंघी को इंग्लिश में कोम्ब कहा जाता है, कोम्ब इट मीन्स कंघी। कपड़े धोने के ब्रश को इंग्लिश में वॉशिंग ब्रश बोला जाता है, वॉशिंग ब्रश। और कपड़े धोने का साबुन
इंग्लिश होती है डिटर्जेंट बार। आप याद रखिएगा, सोप का वर्ड सिर्फ और सिर्फ नहाने वाले साबुन के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़ा धोने वाले साबुन को सोप नहीं बार बोला जाता है, डिटर्जेंट बार, कपड़े धोने वाला साबुन। कपड़े धोने के पाउडर को इंग्लिश में डिटर्जेंट पाउडर कहा जाता है, जिसे बहुत सारे लोग सर्फ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी शौचालय, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न टॉयलेट सीट। और भारतीय टॉयलेट को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन टॉयलेट सीट। टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश को टॉयलेट ब्रश, और इसके साफ करने वाले लिक्विड को इंग्लिश में टॉयलेट क्लीनर बोला जाता है, टॉयलेट क्लीनर। कचरे का डिब्बा, इंग्लिश होती है डस्टबीन, इट मीन्स कचरे का डिब्बा। छत के पंखे को इंग्लिश में सीलिंग फैन बोला जाता है, सीलिंग फैन, इट मीन्स छत का पंखा। कुर्सी का पंखा, टेबल पे रखा हुआ पंखा, इंग्लिश होती है टेबल फैन। और जो अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, निकास पंखा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जॉस्ट फैन। नेक्स्ट इज वेरी स्पेशल हुक्का, इंग्लिश होती है हबल बबल। और इसे देखते ही नवाबों की याद आ जाती है, हबल बबल इट मीन्स हुक्का। पालकी और डोली, इंग्लिश होती है फैलंकीन, इट मीन्स पालकी। छड़ी या लाठी, इंग्लिश में कहा जाता है स्टिक, इट मीन्स छड़ी या लाठी। दीपक, दीप, दिया, इंग्लिश होती है लैम्प। अगरबत्ती, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसेंस स्टिक। पायदान, जिस पे पांव साफ करके अंदर दाखिल हुआ जाता है, इसकी इंग्लिश होती है डोरमेट, इट मीन्स पायदान। सीढ़ी, इसकी इंग्लिश होती है लैडर, इट मीन्स सीढ़ी। पानी की टंकी, इंग्लिश में इसे वाटर टैंक बोला जाता है, इट मीन्स पानी की टंकी। कलाई में पहनने वाली घड़ी को इंग्लिश में रिस्ट वॉच बोला जाता है, रिस्ट वॉच। और अगर ये सुई वाली घड़ी हो तो इसे एनालॉग रिस्ट वॉच, और डिजिटल घड़ी को डिजिटल रिस्ट वॉच कहा जाता है। फूलदान या गमला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर पॉट। गुलदस्ता, इंग्लिश होती है बुके, इट मीन गुलदस्ता। तो ये थे कुछ स्पेशल वर्ड्स इन हिंदी और साथ ही साथ उसके इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भारत इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।